आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग एक बहुत ही बढ़िया लैपटॉप की जो कि एचपी की तरफ से आता है। फटाफट से भाई खोलते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या चीज मिलती है। तो जैसे यहाँ पे बॉक्स खोलते हो, ये हमारा मेन चीज है। उसके साथ आपको यहाँ पे ये पावर केबल दिखाई देगी एंड ये 65 वाट का ये छोटा सा पावर ब्रिक मिलता है, इतना सा छोटा है। एंड उसके साथ ये यूजर मैनुअल वगैरह ये चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। और ये हाँ यही है एचपी पैवेलियन 14 EC1019A। दोस्तों अगर हम यहाँ पे डिजाइन के बारे में बात करें तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सा आपको ये लैपटॉप दिखाई दे रहा होगा क्योंकि 14 इंच का लैपटॉप है। एंड यहाँ पे जो है एचपी का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा, जो नॉर्मल लोगो आता है सेम वही लोगो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एंड ऊपर जो है ये सिल्वर मेटेलिक कलर में आता है जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम है और आप में से बहुत सारे लोग जो है ये कलर काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं। उसके साथ जो है पैवेलियन का यहाँ पे पीछे आपको एक लोगो दिखाई दे रहा होगा। एंड यहाँ पे पीछे देखोगे तो इतना आपको जो है यहां से यहां तक जो है एयर फ्लो का टोटल सेक्शन मिलता है, यहां से काफी अच्छा जो है एयर फ्लो हो पाएगा। एंड ये रबर पैड्स मिलते हैं जो कि काफी, मतलब यहां पे आप देख सकते हो काफी डिसेंट सा जो है स्पेस रह पाता है। तो यहां से जो है एयर काफी बढ़िया तरीके से अंदर चले जाता है, लैपटॉप काफी अच्छी तरीके से ठंडा रह पाता है। उसके साथ जो है अगर हम यहाँ पे बिल्ड के बारे में बात करें तो ये हिंजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, पूरे मेटेलिक हिंजेस आपको मिलते हैं जो कि काफी अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। बिल्कुल मुझे तक अभी तक कोई क्रैकिंग साउंड नहीं आया, काफी बढ़िया तरीके से 2 दिन से यूज कर रहा हूँ लैपटॉप, काफी बढ़िया लग रहा है। उसके साथ ऊपर का पैनल यहाँ पे देखोगे तो पूरा का पूरा फाइबर का पैनल आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा फ्लेक्स आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा। एंड पीछे देखोगे तो पीछे काफी हार्ड है, यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा फ्लेक्स आपको मिलता है, इतना ज्यादा नहीं। एंड जैसे अंदर इसको खोलोगे तो यहाँ पे काफी टफ है, काफी मतलब काफी ज्यादा टफ आपको यहाँ पे मटेरियल दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके से आपको ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ट मिलते हैं जो कि मुझे काफी एक डिफरेंट, जो यूजुअली एचपी के लैपटॉप्स आते हैं उससे तो काफी ज्यादा डिफरेंट है। एक नया पूरा जो है सेटअप इन्होंने पूरा ये किया, मुझे काफी बढ़िया लगा, काफी लाइट वेट है। 1.41 kg का जो है ये कंप्लीट लैपटॉप आता है। अगर आप जो है स्कूल जाते हो या फिर ऑफिस जाते हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। दोस्तों लैपटॉप में मुझे एक मेजर मिस्टेक जो लगी है वो है इसके पोर्ट्स, इतने ज्यादा पोर्ट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलते। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो टाइप सी का यहाँ पे थंडरबोल्ट पोर्ट आपको मिलेगा, उसके साथ टाइप ए का एक पोर्ट मिलेगा, एचडीएमआई का पोर्ट मिलेगा एंड पावर जैक का पावर जैक का जो पोर्ट होता है वो यहाँ पे दिखाई देगा। इस साइड देखोगे तो एक ही पोर्ट मिलता है जो कि टाइप ए का पोर्ट होगा जो कि अल्ट्रा फास्ट पोर्ट होगा। एंड ये जो है ये हेडफोन जैक का पोर्ट मिलता है। तो इतने ही पोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे मेमोरी कार्ड स्लॉट आपको नहीं मिलता। तो अगर आप क्रिएटर हो तो भाई डेफिनेटली आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी, बट अगर हम बात करें ओवरऑल फील के बारे में तो भाई लैपटॉप काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, उसकी वजह से एक प्रीमियमनेस आता है, काफी बढ़िया लगता है, होल्ड करने में भी काफी अच्छा लगता है। तो भाई डिजाइन वगैरह एक नंबर। दोस्तों जैसे ही आप ये पैनल उठाते हो अंदर से लैपटॉप कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, एक छोटा सा कॉम्पैक्ट से आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखाई दे रही होगी जो कि 14 इंच की स्क्रीन आती है। उसके साथ ये आप देख सकते हो इतने छोटे से बेजल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, काफी छोटे तो थोड़ा सा बढ़िया लगता है यहाँ पे। एंड उसके साथ अभी स्क्रीन के बारे में बात करते हैं, ये जो स्क्रीन है यहाँ पे ये 14 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर LED डिस्प्ले है। एंड उसके वजह से इसका जो नीट्स ब्राइटनेस है वो ऑलमोस्ट 400 नीट्स है, बहुत ज्यादा होता है। जो नॉर्मल लैपटॉप्स आते हैं मार्केट में उसका 250 नीट्स होता है, उसके वजह से ब्राइटनेस इतना ज्यादा नहीं बढ़ जाता। उसके वजह से अगर आप बाहर जाते हो तब आपको डेफिनेटली वहां पे दिक्कत आती है, लेकिन इसके बारे में वो नहीं है। बाहर भी जाओगे तो भी आपको डिस्प्ले काफी बढ़िया लगेगा। और यहाँ पे अभी कलर्स के बारे में देखते हैं, और एक लैपटॉप मैं यहाँ पे देता हूँ जो कि गेमिंग लैपटॉप है, Asus TUF A17। तो यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी चेक कर लेते हैं कितना मेजर डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कलर में पूरा जो है, मैं यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ तो आपको भी समझ में आएगा, फुल यहाँ पे ब्राइटनेस है, यहाँ पे भी फुल ब्राइटनेस है। दोनों का वीडियो यहाँ पे टर्न ऑन करता हूँ, देख सकते हो काफी मेजर डिफरेंस है। कलर से यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही शार्प, एक बेहतरीन कलर आपको मिलते हैं। यहाँ पे कलर्स आप देख सकते हो ये थोड़े से डिफरेंट एंड लो कलर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, उसके वजह से ओवरऑल लैपटॉप की क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसकी वजह से इस लैपटॉप की प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 60,000 के ऊपर है। आपकी मोहब्बत कौन है?
पैसा। यहाँ पे इन्होंने एक टेक्नोलॉजी निकाली जिसका नाम है आई सेफ करके, जिसके वजह से क्या होता है जो ब्लू रे डायरेक्टली डिस्प्ले से आते हैं वो नहीं आते, ऑलमोस्ट इलिमिनेट हो जाते हैं, उसके वजह से आपकी आंखें काफी अच्छी रहते हैं। और भाई ऑलमोस्ट एक चीज में तो भूल गया, ये 100% sRGB के साथ आता है, उसकी वजह से आपको इतने एक्यूरेट कलर मिलते हैं। ये डिस्प्ले 45% sRGB के साथ आता है, तो उसके वजह से आपको कलर यहाँ पे लो दिखाई देते हैं। अभी वेबकैम के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो वेबकैम, आप खुद भी मतलब यहाँ से डायरेक्टली आप देख सकते हो कि इसमें आपको कलर्स वगैरह काफी बेहतरीन तरीके से मिलते हैं। यहाँ पे थोड़े से लो कलर्स मिलते हैं, दोनों के स्पेसिफिकेशन सेम है, ऑलमोस्ट 720p का जो है ये वेबकैम आता है, बट फिर भी कलर्स आप देख सकते हो काफी बड़ा है। तो भाई मीटिंग्स वगैरह जो होते हैं फटाफट से आप निपटा सकते हो काफी बढ़िया तरीके से, सारे वेबकैम के जो भी आपके काम होंगे वो अच्छी तरीके से कर पाओगे। अभी जो है बात करते हैं इसके स्पेक्स के बारे में, जो कि आपको यहाँ पे राइजन 5 5625U का जो है प्रोसेसर मिलता है, जो कि काफी अच्छा खासा स्पीड के लिए काफी बढ़िया प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज के लिए। एंड उसके साथ AMD Radeon ग्राफिक्स कार्ड आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, जो कि इंटरनल ग्राफिक्स कार्ड है, आपको एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे नहीं मिलता। तो गेम्स वगैरह थोड़े से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी गेम्स वगैरह खेल पाओगे, हम वो भी टेस्ट करके यहाँ पे देखेंगे। पर उसके साथ साथ आपको 16GB की रैम मिलती है, जो कि आप एक्सटेंड नहीं कर पाओगे, जो जितनी है उतने से आपको वहाँ पे काम चलाना पड़ेगा। 512GB की आपको SSD मिलती है, तो भाई स्पीड तो काफ़ी बढ़िया होगा। अभी जो थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं भाई, गेम वगैरह खेल के देखते हैं, यहाँ पे प्रीमियर प्रो भी चला के देखेंगे 4K रेंडरिंग करके कि ये एक्चुअली लैपटॉप कितना ज़्यादा फास्ट है। दोस्तों अभी हम यहाँ पे खेल रहे हैं GTA 5, और भाई यहाँ पे सेटिंग आप देख सकते हो ऑलमोस्ट फुल करने की सेटिंग कोशिश की है, और यहाँ पे देख सो ये पूरा बार ही आगे चला गया है, सिर्फ मैंने VSync को टर्न ऑन किया है, बाकी जो है पूरा यहाँ पे फुल ही दिखा रहा है। तो अभी जो है गेम खेल के देखते हैं भाई क्या आता है, कितना FPS आता है। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 FPS पूरा टच किया, मैंने VSync फुल करके रखा है, और स्मूथ तो लग रही है भाई गेम, देख सकते हो काफ़ी मस्त लग रहा है। 100% sRGB आती है, तो गेमिंग का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी मस्त लगता है, कलर्स वगैरह काफ़ी शार्प दिखाई देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये जो कलर्स है वगैरह काफ़ी मस्त लग रहे हैं, और स्मूथनेस है, लैपटॉप का स्मूथनेस काफ़ी बढ़िया है, अभी तक कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। और यहाँ पे थोड़ा सा हीट कर रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है हीट हो रहा है, बट इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आप गेम वगैरह खेल सकते हो, क्योंकि भाई 60 FPS नॉन स्टॉप यहाँ पे दे रहा है। फिलहाल तो ये कोई गेमिंग लैपटॉप नहीं है, बट फिर भी आप छोटी मोटी गेम्स यहाँ पे खेल सकते हो, GTA 5 तो खेल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये चार्जर लगा के खेलना पड़ेगा। जैसे ही चार्जर निकालोगे 20-30 FPS आपको मिलेगा, तो गेम बहुत ज़्यादा लैग होते। अगर आपको स्पेसिफिकली एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो भाई आप गेमिंग लैपटॉप ले सकते हो, ये नॉर्मल एक ऑलराउंडर लैपटॉप हम बोल सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पे अभी हम एडोब प्रीमियर प्रो रन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 मिनट की जो है 4K क्लिप है मेरे वीडियो की, तो अभी इसको रेंडर करके देखते हैं कितना मैक्सिमम टाइम इसको लगता है। अभी यहाँ पे 2 मिनट बोल रहा है, वेट करके देखते हैं। अभी ये अपलोड हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 मिनट मुझे लगे इसको पूरा रेंडर करने के लिए, 48 सेकेंड की टोटल क्लिप थी, 4K में रेंडर हो चुके हैं। और यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे कीबोर्ड मिलता है, एंड टू एंड कीबोर्ड मिलेगा, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है क्योंकि लैपटॉप ही छोटा आता है आपको। यहाँ पे कीज वगैरह देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से अरेंज किए, यहाँ इस साइड में जो है आपको नंबर पैड नहीं मिलता, जो भी है यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई देगा। उसके साथ साथ ये बैकलेट कीबोर्ड आता है, पूरा व्हाइट कलर में बैकलेट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे अच्छी लगी, जो कि यहाँ पे जो भी नंबरिंग किए जो भी लेटर्स वगैरह लिखे उसमें भी आपको बैकलाइट मिलते हैं, तो जब भी आप रात में इसको यूज करोगे वो लेटर्स वगैरह काफी बढ़िया तरीके से दिखाई देते हैं। जो इस प्राइस रेंज में ये वाले लैपटॉप्स आते हैं इनमें यही मेन मेजर प्रॉब्लम होता है कि ये जो कीज है कीज के अंदर बैकलाइट होते हैं लेकिन ऊपर नहीं होता, तो उसके वजह से वो कीज अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देते, वो लेटर्स वगैरह नहीं दिखाई देते, यही प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें वो काफी बढ़िया तरीके से किए गए। यहाँ पे देखोगे ये आपको ट्रैक पैड मिलता है, काफी बड़ा ट्रैक पैड मिलेगा, एक स्क्वायर शेप में दिखाई
दिखाई देगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखोगे तो चारों कॉर्नर्स जो है वो काफी बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं, स्मूथ लगा। दो दिन से यूज कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं लगा मुझे, काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से फटाक से आपको जो भी फिंगरप्रिंट चाहिए वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, फटाक से ये अनलॉक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड यहाँ पे आपको लाइफ टाइम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेस मिल जाता है। भाई अपना लैपटॉप तो काफी छोटा है बट बैटरी है वो भाई काफी खास दी गई है, 48 आवर्स की जो है आपको लगभग 3 सेल की बैटरी मिल जाती है। कल से यूज कर रहा हूं, कल मैंने फुल चार्ज किया था, अभी यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है, मतलब टेस्टिंग वगैरह हम कर रहे थे 6-7 घंटे हो चुके हैं, उससे भी ज्यादा हो चुके हैं, तो फिर भी अभी भी लैपटॉप ऑन है। तो काफी बड़ा है, बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलता है ऑफिस के लिए, तो काफी बेहतरीन है। 61,000 के आसपास ये मिल जाएगा अमेजोन के ऊपर, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डायरेक्टली आप वहां से इसको परचेस कर पाओ। सो फुली दोस्तों वीडियो आपका अच्छा लगा होगा, गाइस वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, हमारा खुद का टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पे आपको डील्स वगैरह काफी बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे, जैसे कि बिग बिलियन डे का जो है पूरा सेल हमने वहां पे कवर किया था, जो भी डील्स होंगे वहां पे हमने डाले थे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, डायरेक्टली वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली बार किसी ने वीडियो के साथ, किसी ने एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।